स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपनी वीडियो को एडिटिंग करना है और गेमिंग करना है तो आपको एक कुछ इस टाइप का लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो आज हम करेंगे इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो आपको दिखा देता हूं, पहले ये लैपटॉप है ASUS का टफ गेमिंग लैपटॉप A15। तो कुछ इसका इस टाइप से ये बॉक्स है। तो आगे हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप का ये लैपटॉप आपको मिलता है। इसे निकाल लेते हैं तो अंदर देख लेते हैं। इसके साथ हमें एक एक्सेसरीज मिल जाती है, तो हमें एक पावर कोड मिल जाता है, एक हमें 150 वॉट का एक ब्रिक मिल जाता है चार्जिंग का, चार्जर तो इसे रख देते हैं साइड में। तो कुछ लुक वाइज ये लैपटॉप इस टाइप का है, सामने से कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैट फिनिश है, प्लास्टिक की बॉडी है, सामने आपको हनी बीज की वेंटिलेशन वाली ये सारी विंडोज़ दिखाई पड़ जाएगी। पीछे की तरफ आपको ये दो विंडोज़ मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर बात करें हम इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की, सीरियल नंबर कुछ इस टाइप से आता है, ID+Color 2B Graphite Black जो है ये लैपटॉप है। LCD इसका 15.6 का, FSD का जो है इसका LCD है, ग्राफिक कार्ड इसके अंदर 4GB का है, CPU इसका जो है AMD R5 46 का है, स्टोरेज इसके अंदर 512 SSD का है, प्लस इसके अंदर WOODD है, रैम इसका DDR4 8GB है, लैन बाकी USB वगैरह सब इसके अंदर है, पावर कोड वगैरह सब मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बता देता हूँ इससे पहले आपको दिखा देता हूँ इस लैपटॉप में आपको यहाँ पे 3mm का जैक, सी पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और साथ ही साथ आपको एक लैन का कार्ड और एक चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाता है, एक यहाँ पे लॉकिंग का सिस्टम, तो कुछ इस टाइप का होगा। ओपन करने पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। सामने आपको 144Hz का जो है का रेट मिल जाएगा, 6GB का कोर मिल जाएगा। आप देखेंगे इस लैपटॉप पे आपको कुछ इस टाइप की ड्यूल 83 ब्लेड्स फैंस मिल जाएंगे। इसमें 2 SSD के स्लॉट हैं, 6 Wi-Fi 6 सर्टिफिकेट ये लैपटॉप है। साथ में आपको 3200 MHz का इसका DDR4 का रैम लगा हुआ है इसके अंदर, और मिलिट्री ग्रेड का ये है, राइजन 5 है और कुछ इस टाइप का होता है। अगर हम करें इसे ऑन तो कुछ इस टाइप का ये होगा, तो इसी की इस टाइप से चलने लगती हैं, कुछ इस टाइप की इसकी स्टार्टिंग होती है, ऑन होने पे ये कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है। आपको इसमें शुरू में आपका माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल रजिस्टर्ड करना पड़ता है, विंडोज़ इसमें 11 आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। इंटरफेस कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपको वीडियो पूरी देखनी है इसकी तो आप मेरे वाले चैनल पर चले जाइए, आपको पूरा इसका वीडियो दिख जाएगा कि किस टाइप से हमने इसे बाय किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।